इंटरेस्टिंग टेक वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ये घंटी का बटन दबा के ऑल का बटन दबा लें ताकि मेरी कोई भी वीडियो आए तो आपको टर्न करके घंटी आपको पता चल जाए। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल टेक ऑर्गेनिक। मैं हूं आपका टेक होस्ट राहुल शर्मा। सो गाइस, आज हम आ गए एक और वीडियो लेके। एक्चुअल में इस बार वाला जो अपना वीडियो है वो ईयरफोन्स के रिगार्डिंग होने वाला है, ब्लूटूथ के ईयरफोन है, जो आपको टाइटल देके आपको पता ही है आप किस चीज़ का वीडियो यहाँ देखने आए हो। तो गाइस, ये वाले ईयरफोन्स का ये अनबॉक्सिंग नहीं है, ये ओनली रिव्यू है। एंड गाइस, मेरा जो असिस्टेंट है मिमी, उसको छुट्टी पे रखा है क्वारंटीन पे। ठीक है, तो चलिए गाइस हमारी वीडियो को हम शुरू करते हैं। और गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको मेरी सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ठीक है, और अगर वीडियो पसंद आए तो साथ में लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलिए गाइस, हमारी वीडियो को हम शुरू करते हैं। हमारा वीडियो जो होने वाला है वो है टैग इनफर्नो के ईयरफोन्स है। तो गाइस, अनबॉक्सिंग में टाइम वेस्ट ना करते हुए ये हैं हमारे जो उस डब्बे में से निकले हैं ईयरफोन्स, ब्लूटूथ ईयरफोन्स जो इस पाउच में आते हैं गाइस। ठीक है, एंड वहीं अगर आपको मैं दिखाऊं, ये कुछ इस तरह के टैग इनफर्नो हैं जो ईयर क्लिप के साथ आते हैं। लेकिन इसमें कुछ ये ईयरबड क्लिप्स मिलते हैं आपको जो कि आप अपने हिसाब से लगा सकते हो। ठीक है, तो गाइस ये है हमारे ईयरफोन्स कुछ इस तरह के। और मैं अगर आपको यहाँ पर दिखाऊं तो यहाँ पर गाइस ये राइट वाले में प्लस माइनस वॉल्यूम के बटन है, एंड यहाँ पर ये राइट और ये लेफ्ट जो है लिखा होता है यहाँ पर ही। एंड वहीं अगर मैं आपको बताऊं तो सिर्फ राइट वाले का ही जो बटन है वो प्ले एंड पॉज के लिए जो चलता है। एंड गाइस, आपको मैं यहीं बताऊं तो यहाँ पर सिर्फ राइट वाले का ही जो बटन है वो प्ले और पॉज का जो है चलता है, और ये प्लस माइनस के यहाँ पर बटन है कुछ। ठीक है, एंड लेफ्ट साइड वाले में कुछ भी ऐसा खास नहीं है, कुछ भी नहीं बना हुआ, ये सिर्फ एक ईयरफोन है ईयर क्लिप के साथ। एंड गाइस, वहीं अगर आपको मैं बताऊं तो यहाँ पर दोनों ही साइड पे, बैक साइड पे यहाँ पर एक छोटा सा छेद दिख रहा होगा, ये है आपका माइक जो कि नॉइस कैंसिलेशन के काम आता है। एंड वहीं मैं बात करूँ तो इसका जो कॉलिंग माइक है गाइस, हमारा जो माइक है वो राइट साइड में यहाँ पर लगा हुआ है जो कि कॉलिंग वगैरह के जो काम आता है। एंड वहीं गाइस मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पर माइक्रो यूएसबी से चार्ज हो जाता है। इसको चार्ज करने में गाइस 2 घंटे लगते हैं, बट ये 8 घंटे का बैकअप जो है वो देता है। एंड गाइस, अब आ जाते हैं इनकी बिल्ड क्वालिटी पे। इनकी बिल्ड क्वालिटी एक्चुअली में बहुत अच्छी है, और इसकी जो वायर की क्वालिटी है वो भी बहुत सही है, टेंगल फ्री है। हालांकि टेंगल तो क्या ही होगी, ज़रा सी है सिर्फ नेक में पीछे से ही लगाने के लिए, एंड नो डाउट क्वालिटी बहुत सही है। सो गाइस, ये था इन ईयरफोन्स का ओवरव्यू। तो गाइस, ओवरव्यू आपको मैंने बता दिया, ये कुछ इस तरह से जो है ये फिट होते हैं कान में, बहुत ही सही तरीके से ऐसे प्रॉपरली क्लिप वाले उसमें फिट हो जाते हैं। एंड सच कहूँ तो ये इतने ज़्यादा लाइट वेट है कि आप थोड़ी देर में आप भूल जाओगे 5 या 10 मिनट के बाद आपने कुछ लगाया भी है यहाँ पर। एंड सच कहूँ तो मुझे बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम से लगी क्वालिटी भी इनकी। एंड वहीं अगर गाइस मैं बात करूँ तो इसमें 4.0 का ब्लूटूथ सपोर्ट है जो कि आपका 30 मीटर तक की रेंज आपको ये प्रोवाइड करता है। एंड वहीं इसमें CSR टेक्नोलॉजी की चिप लगाई गई है सो डैट आपकी ये जो लेटेंसी वगैरह जो होती है, जो प्रॉपर जो साउंड होती है, जो डिवाइस से एक्चुअल साउंड होती है, कहते हैं ना कि ब्लूटूथ ईयरफोन की साउंड नॉर्मल वाले से कम होती है, नॉर्मल वायर्ड ईयरफोन से, तो ये उस चीज़ की कमी को पूरा करता है ये जो CSR टेक्नोलॉजी का चिप है। हालांकि ये 1 साल पुरानी टेक्नोलॉजी है, बट स्टिल गाइस ये बहुत ही सही है। एंड गाइस, वहीं आपको मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आप पबजी लवर्स हो तो आप प्लीज़ इसको थोड़ा ना लीजिए, क्योंकि थोड़ा सा लेट आता है, मतलब गोली बच जाती है जस्ट उसके बाद, माइक्रो सेकंड के बाद आपको पता चलता है कि गोली बच गई। तो थोड़ा उस हिसाब से आप इसको ना लेना अगर आप पबजी लवर हो। ठीक है, अदरवाइज मूवीज़ वगैरह बहुत ही स्मूथली प्ले होती हैं, ज़्यादा पता नहीं चलता है। एंड गाइस, ओवरव्यू में जैसे मैंने आपको बताया, जो इनका जो पावर बटन है, ये पावर बटन को दबाते ही ऑन द हो जाता है, उसी को दबा के प्ले हो जाता है, पॉज हो जाता है, डबल बार दबाओ के तो नेक्स्ट सॉन्ग हो जाता है। और वॉल्यूम प्लस माइनस बटन भी आपको इसमें ही दे रखा है, तो आपको मोबाइल को यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आपने मोबाइल पॉकेट में डाला है, रेस्ट आप काम यहीं से कर सकते हो। ठीक है, एंड वहीं आपको एक और इसका मैं फीचर बताऊँ तो ये एक साथ 2 डिवाइसेज पर कंपेटेबल हो जाता है, कि अगर 2 डिवाइस आपने लगा रखे हैं तो दोनों में से किसी में भी कॉल आएगी तो आप इसे पिक कर लोगे। तो ये भी मुझे बहुत ही अच्छा फीचर लगा इस ईयरफोन का। और गाइस, इसका एक और फीचर है कि एप्पल में अगर आपने लगाया हुआ है तो उसमें रियल टाइम बैटरी इंडिकेटर भी आपको पता चल जाएगा कि कितनी बैटरी इसमें रह गई है, जो कि एप्पल के डिवाइसेस के लिए आपने जनरली देखा होगा साइड में वहाँ पर आता है। तो वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मेरे पास एप्पल का डिवाइस भी और एंड्रॉयड डिवाइस भी है। तो गाइस, पहले तो आप इसको कनेक्ट कर लेते हैं और इसके मैं साउंड एक बार सुन के आपको बता देता हूँ कि किस तरह की क्यों साउंड है। तो पहले मैं इसको अपने डिवाइस से पेयर अप कर लेता हूँ। गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसका जो पावर बटन है इसको दबा के रखना है। तो गाइस, इसकी जो साउंड क्वालिटी है जो सॉन्ग्स के लिए है वो एक्चुअली में बहुत ज़्यादा परफेक्ट सी है, बैलेंस ही है। जो बेस है ना वो बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं है बट इतना नीचे भी नहीं है, मतलब एक सॉन्ग लवर्स अगर आप हो, जैसे कि मेरे से एक परफेक्ट सॉन्ग लवर जाते हो, एक रिलैक्स होने के लिए जो सॉन्ग है वो सुनता है,
तो ये उनके लिए बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट हैं ये वाले ईयरफोन्स। एंड मैं आपको रिकमेंड करूँगा, अगर आप म्यूज़िक लवर्स हो तो ब्लाइंडली गो फॉर इट, एंड अगर आप गेमर हो और उसके लिए आपको ये चाहिए तो आई डोंट थिंक मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा, क्योंकि पर्सनली आई एम ए गेमर टू, सो आई डोंट वॉन्ट यू टू स्पेंड या 2500 से 3000 रुपये मैंने तुम्हें नहीं स्पेंड करने को कहूँगा, ठीक है। बाकी म्यूज़िक लवर्स हो तो आँख बंद करके लेने की नौबत है। सो गाइस, मैं आपको बता देता हूँ कि इसका जो पॉज प्ले बटन है और ये वॉल्यूम अप डाउन बटन है बहुत ही परफेक्टली इसमें चलता है, परफेक्टली तो नहीं, पॉज प्ले बटन तो परफेक्टली स्मूथली चलता है, बट जो वॉल्यूम अप डाउन बटन है वो थोड़ा सा डिले करता है, ज़्यादा नहीं थोड़ा सा डिले है, बट अगर आप नोटिस करोगे ऐसे आँखों के सामने अपने फ़ोन रखा हो तो आपको वो चीज़ नोटिस होगी, ऐसे करके नोटिस करने लगोगे, अदरवाइज नहीं नोटिस होगा। तो छोटा सा इतना सा ही इसमें डिसएडवांटेज है, बाकी अदरवाइज बहुत ही परफेक्ट फिट है, मुझे कोई कमी तो दिखी नहीं है इनमें। एंड गाइस, इसमें नॉइस कैंसलेशन बहुत अच्छा है कि अगर आपको आसपास का कुछ भी पता नहीं चलता है, आधी नॉइस कैंसलेशन तो इसको पहनने के बाद ही हो जाती है गाइस, कि पता ही नहीं चलता आपको कि आप कहाँ पर ऐसी जगह बैठे हो कि आसपास कुछ चल रहा है या नहीं, बाकी सॉन्ग आपको सुना के वो प्रॉपर कर देता है। तो गाइस, ये था इसका टोटल ओवरव्यू इन ईयरफोन्स का, सो जो मेरे को पर्सनली बहुत अच्छे लगे। तो गाइस, जैसा कि मैंने इसका बताया था बहुत ही ज़्यादा लाइट फिट है, तो उसका अगर हम वेट करते हैं तो 22 ग्राम्स के हैं, ठीक है, तो मतलब आपके कान में 10 ग्राम से भी कम का जो वजन है वो आपके कान पे होगा। एंड ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आपको मैं दिखा देता हूँ, वहीं अगर मैं इसकी वायर का वजन करूँ, वायर का ही ओनली 5 ग्राम है, तो मतलब 5 ग्राम का कुछ वजन आपके कंधे को झेलना पड़ेगा, बाकी का काम आपका कान कर लेगा। तो गाइस, वहीं अगर मेरे को इसको रेटिंग देनी हो इसको अपने ऑर्गेनिक मीटर पे, यू नो माय ऑर्गेनिक मीटर राइट, तो ऑर्गेनिक मीटर में मेरे को इसको रेटिंग देनी है तो मैं इसको दूंगा 5 में से 4 रेटिंग, क्योंकि गेमर्स के लिए नहीं है ना, और अदरवाइज बिल्ड क्वालिटी वगैरह सब कुछ बहुत क्लास है इसमें। तो गाइस, होप आपको मेरा वीडियो चाहिए पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो जल्दी से लाइक कीजिए, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक कीजिए, कुछ भी करना है कीजिए, और अगर आपको इसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछने हैं तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं आंसर दे दूंगा उसका विदाउट एनी डाउट, ठीक है गाइस। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई चैनल, हैव अ ग्रेट डे गाइस।